असलम मैथमेटिक्स नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन अब आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं साइंटिफिक नोटेशन में और आपने इनको चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर वन था उस क्वेश्चन में आपने ऑर्डनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या किया था ऑर्डनरी नोटेशन के जो क्वेश्चन थे उनको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा था अब हम साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस को ऑर्डनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे अब याद रखिएगा ये एक दूसरे के इनवर्स रिवर्स प्रोसेस हैं अब देखिए पहला पार्ट है सिक्स मल्टीप्लाय टेन पावर माइनस फोर सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है और आपको वो समझ आ गई है तो आप मुझे ये बताएं कि माइनस पावर में माइनस कब आता है पावर में माइनस कब आता है जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ आए अब नोटेशन में आपने टेन की पावर माइनस फोर ख़त्म करनी होती है इसको एलिमिनेट कर इसको ख़त्म कर देना आपने तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप जो पॉइंट लेफ्ट साइड से आया है आप दोबारा उसको लेफ्ट साइड की तरफ भेज देंगे रिवर्स प्रोसेस करेंगे इसके लिए देखें आप टेन पावर माइनस फोर तो हम क्या करते हैं हम लिखते हैं सिक्स पॉइंट अभी कहीं नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर होगा ये पॉइंट माइनस फोर मतलब ये लेफ़्ट साइड से आया तो अब हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे दोबारा भेजना है फोर जंप करवाने हैं वन टू थ्री एंड फोर तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर तो ये जो जंप है यहाँ पे बेसिकली क्या फिर आएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा ज़ीरो 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 और पॉइंट से पहले अगर कुछ ना लिखा हो तो वो हम ख़ुद ही ज़ीरो लिख देते हैं इस ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं है तो बेसिकली ये ऑर्डनरी नोटेशन है ज़ीरो पॉइंट सिक्स सॉरी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 सिक्स जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइंटिफिक से ऑर्डनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा तो इसका आंसर फिर आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 सिक्स डेट्स एट अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं आपको और थोड़ा सा क्लिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में बेसिकली क्या है देखें इसका सेकेंड पार्ट हमें जो दिया हुआ है सेकेंड पार्ट दिया हुआ है फाइव पॉइंट ज़ीरो सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावर अब देखें पावर है पॉजिटिव साइंटिफिक न्यूटेशन में पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट right साइड से है तो अगर मैं इसको लिखूँ 5.06 पॉइंट ज़ीरो सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावर टेन मीन्स पावर में पॉजिटिव तब आता है जब राइट right साइड से पॉइंट इधर आए यही पढ़ा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड से मूव करे तो पावर पॉजिटिव आती है अब इस पॉजिटिव पावर को ख़त्म करना है हमने अब दोबारा क्या करेंगे राइट right साइड से आया था पॉइंट को दोबारा राइट साइड की तरफ दोबारा भेज देंगे रिवर्स प्रोसेस जिधर से पॉइंट जिस तरफ से आया था उस तरफ भेजेंगे तो अब देखें फाइव पॉइंट यहाँ पर है ज़ीरो सिक्स हम टेन प्लेसिस जम्प करवाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन एंड टेन तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम इनको ज़ीरो से फिल कर देंगे तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा फाइव ज़ीरो सिक्स ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो ओके ओके अब देखें अगर अब देखें ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है अब साइंटिफिक से ऑर्डनरी में लिखें अगर ऑर्डनरी से दोबारा साइंटिफिक में लिखना चाहें तो देखें दोबारा हम ट्राई करते हैं पॉइंट कहीं नहीं होगा चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिक्स जीरो 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 ज़ीरो जीरो अब देखें पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ होगा कितने जंप लगेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन तो लिखेंगे 10 10. Right से पॉइंट जीरो सिक्स मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, और जब आपने साइंटिफिक से में कन्वर्ट करना है तो आपने रिवर्स जिस तरफ से पॉइंट आ रहा है उसी तरफ पॉइंट आपने बैकवर्ड भेज देना है अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में वो कह रहा है नाइन पॉइंट जीरो वन एट मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस सिक्स अब ये साइंटिफिक नोटेशन है हमने इसको क्या करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो देखें जी नाइन नाइन पॉइंट ज़ीरो वन एट मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस सिक्स अब माइनस सिक्स पावर माइनस में कब आती है जब पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव करे तो पॉइंट अगर लेफ्ट साइड से मूव कर है तो टेन पावर माइनस में आती है तो अगर हमने ये टेन पावर माइनस ख़त्म करनी है तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे दोबारा मूव करवा दें तो हम कैसे मूव कराएंगे? देखें नाइन ज़ीरो वन एट यहाँ पर है पॉइंट सिक्स प्लेसेस आपने मूव करवाना है वन जंप टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ये आ गया ज़ीरो 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 तो ये इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो टू अगेन जीरो फाइव हैं, ठीक है वाइन जीरो वन एट ये इसका आंसर अच्छा आ गया अब इसका कहते हैं लास्ट वाला फोर्थ पार्ट अब यहाँ पर क्या है जी सेवन पॉइंट एट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन इज पावर एट अब इसको सॉल्व करना है सॉरी सॉल्व नहीं करना ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है सेवन पॉइंट एट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर एट टेन पावर एट पॉजिटिव इट्स मीन्स जब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था तो पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया था अब रिवर्स प्रोसेस में क्या करेंगे इस पॉइंट को राइट right साइड की तरफ मूव करना एट जंप लगवाने हैं सेवन एट सिक्स फाइव एट जंप लगवाएं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पॉइंट यहाँ पे आएगा और किसी नंबर के लास्ट में पॉइंट हो उसके बाद कुछ ना हो तो वो पॉइंट हम लिखते ही नहीं हैं कितने ज़ीरो हैं दो फोर एंड देन फाइव टू थ्री फोर एंड देन फाइव ये इसका आंसर आ गया तो हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना भी सीख लिया और ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना सीख लिया इस एक्सरसाइज में से हर साल शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं एक साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने का और एक ऑर्डिनरी नोटेशन का साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए वो एक नंबर दे देता है तो ये लाजमी कीजिएगा आई होप सो आप लोगों को समझ आइए अल्लाह हाफिज़